खाते वक्त, चलते वक्त, बाथरूम पे बैठ के, चाय पीते हुए, खाना खाते हुए, टीवी देखते हुए वो सिर्फ पबजी ही खेलता था। एक दिन वो कार चलाते चलाते पबजी खेल रहा था। हाँ, मरा, मर मर मर, ये मरा, ये भी मरा, हाँ हाँ ये भी मरा, अरे ये एक बच गया, इसको मारूंगा ना तो 20 हो जाएंगे। आजा आजा, आज तुझे मार ही डालूंगा, आजा। यस, इतने में उसका गाड़ी का एक्सीडेंट और वहीं पर उसका निधन। इसके बाद उसका आत्मा नरक आ पहुंचा। नरक में उसके चार दोस्त मिल गए, रवि, हिमांशु, फिरोज और अशोक। अरे तुम लोग इतने दिन से कहां गायब थे, कोई भी ऑनलाइन में नहीं दिखा, तो मैंने सोचा आज तुम लोग को फोन कर लूंगा। भाई कई दिन हो गए हम तुम्हारे नेटवर्क में नहीं थे, पर आज तुम खुद ही हमारे नेटवर्क में आ गए हो। अरे यार, पबजी खेलने के लिए नेटवर्क का क्या चुनाव करे, तो चल खेलते हैं। फिर सारे मिलकर पबजी खेलने लगे। ए, तूने कितने लोगों को मारा? मैंने 10 लोगों को मारा है। ए छोड़ना, मैंने 12 लोगों को मारा है। इस तरह एक दूसरे का गिनती देख रहे थे, इतने में यमदूत वहां आ पहुंचे। ए, देख यमदूत आ रहे हैं, कहकर उसने फोन अपने पीछे की तरफ छुपा ली। अरे वो सारे भी हमारे ही टीम के हैं। अरे क्या ये यमदूत भी पबजी खेलते हैं क्या? क्या बोल रहा है यार, यहाँ जितने भी लोग हैं सारे खेलते हैं, तू खेलता जा मुन्ना, खेलता जा। वो सब मिलकर पबजी खेलने लगे। इतने में यम धर्मराज खुद वहां पहुंच। आइए आइए यम धर्मराज जी, चलिए सब मिलके पबजी खेलते हैं। ऐसा कहते हुए वो जाकर यम धर्मराज के कंधे पे अपना हाथ रख दिया। ए पापी, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे मेरे ही साथ तू मस्खरा करेगा? यमदूतो, इसे और इसके सारे दोस्तों को ले जाओ और उबलती हुई तेल में इन्हें भुनो। उसके बाद नरक में जितने भी दंड है सारे दंड का मजा इन्हें चखाओ। यमदूत बाबा और उसके दोस्तों को ले गए, फिर उबलती हुई तेल में उन्हें डुबोकर बाहर निकाला। बाहर निकलते ही बाबू ने अपना सेलफोन देखा। अरे मैंने सोचा था उबलती हुई तेल में डालेंगे तो सेलफोन खराब हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। बहुत खुश होकर वो फिर से पबजी खेलने लगे। यमदूत अचंभित हो गए, इस बार सारे दोस्त उल्टा सोकर पबजी खेल रहे थे। अरे आजा आजा, मारूंगा तुझे हूँ। अरे इसकी मौत तो मेरे हाथों लिखी है, आजा आजा। हा हा, अरे शिट, वो चिल्ला चिल्ला के खेल रहे थे। और इधर उनके पीठ पर से हाथियों को चलाया जा रहा था, तो वो इस तरह चिल्लाने लगे। उन्हें देखकर यमदूतों को फिर से धक्का लगा। इसके बाद उन्हें ले जाकर भालों से कुरेदने लगे। इस तरह वो कराह रहे थे। इसके बाद एक के बाद एक नरक में जितने भी दंड थे उनपे आजमाया गया, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन सबके बीच वो पबजी खेलते ही रहे। उनको देख के यमदूतों का होश उड़ गया और वो सीधे यम धर्मराज के पास जा पहुंचे। यम धर्मराज, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? प्रभु, उन पापियों को सारे दंड दे दिए फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कम से कम उनको दर्द तक महसूस नहीं हुआ। ये सुन के धर्मराज के होश उड़ गए। नरक के बाकी पापियों को भी वो भ्रष्ट कर रहे हैं प्रभु। सिर्फ पापियों को ही नहीं प्रभु, वो तो हम यमदूतों का भी भ्रष्ट कर रहे हैं। कुछ यमदूत तो सब कुछ छोड़ के पबजी खेलना शुरू भी कर दिए हैं। वो पापी यहाँ रहेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारे यमदूत भ्रष्ट हो जाएंगे। उन्हें और एक भी क्षण नरक में रखना जोखिम की बात है। यमदूतों, उन्हें अभी इसी वक्त उनकी अपनी दुनिया में वापस भेज दो। साथ साथ नरक के गेट के बाहर बोर्ड टांग दो
कि पबजी खेलने वाले को यहाँ जगह नहीं मिलेगा। इसके बाद यम धर्मराज के आदेश अनुसार उन लोगों को नरक से भी निकाल दिया गया और नरक के बाहर एक बोर्ड टांग दिया गया कि पबजी खेलने वाले को यहाँ स्थान नहीं मिलेगा। एक किसान और एक भूत। चंदू नाम का एक किसान रहता था। वो बड़ा भला आदमी था, बड़ा भोला भी था। एक दिन वो सब्जियां बेच रहा था। ऐ सब्जी ले लो सब्जी, ए टमाटर ले लो, बैगन ले लो, मूली ले लो, आलू ले लो। अरे ओ सब्जी वाले, इधर आओ। हाँ हाँ आ रहा हूँ बाबू। अच्छा बताओ, भिंडी कैसे दे रहे हो? ये पूछते पूछते वो एक एक भिंडी को तोड़ने लगा और नीचे गिराने लगा। भिंडी 70 रुपए का बाबू। अरे बाप रे, 70 रुपए। अच्छा तुरई कितने में दे रहे हो? ये कहते हुए वो तुरई भी तोड़ के नीचे गिराने लगा। बाबू तुरई तो 100 रुपए का है। अरे बाप रे, ये 100 का नहीं चाहिए भैया। अच्छा बताओ टमाटर कैसे दे रहे हो? बाबूजी टमाटर 50 का किलो बिक रहा है। अरे ये तो थोड़ा सस्ता है, पर मैं नहीं ले सकता, मेरी बीवी की पथरियां हैं। तुम्हें काम करो, एक 5 रुपए के धनिया दे दो। हाँ हाँ ठीक है बाबू, धनिया ही ले लो। ये कहकर चंदू थोड़ा आगे निकल गया। चंदू के आगे निकल जाने के बाद सुभाष ने जो सब्जियां नीचे गिरा दी थी उनको समेट लिया और अपने घर के अंदर चला गया। उस दिन अपनी सब्जियां सारे बेचकर चंदू शाम तक अपना घर पहुंचा। वो सो रहा था, उसे एक सपना दिखा। सपने में उसे एक भूत दिखा। मैं रानी हूँ। एक तांत्रिक ने मुझे अपने मंत्र शक्ति से एक शीशे में बंद करके तुम्हारे खेत के पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। उस शीशे को बाहर निकालो, मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हारे हर कष्ट को दूर कर दूंगी। यही सपना चंदू को हर रोज नींद में आने लगा। पहले 2-3 दिन तो चंदू इसे अनदेखा कर गया, पर 4th दिन सुबह सुबह उसने सोचा, अरे हर रात एक ही सपना क्यों आ रहा है? शायद इस सपने में कोई सच्चाई हो। जो भी हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे खोद के देखना पड़ेगा। अगर सच हुआ तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, नहीं हुआ तो चलो थोड़ा जमीन ही खोद ली। ये सोचकर चंदू अपने खेत के उस पीपल के पेड़ के नीचे गया और वहाँ खोद कर उसने शीशी बाहर निकाली। शीशी का ढक्कन खोलते ही भूत फुर से बाहर निकल गया और वो चंदू को दिखी नहीं। चंदू सोचा, अरे शीशी तो है पर ये तो खाली बोतल है, शायद मेरा सपना झूठा था। ये सोचकर उसने बोतल को वहीं फेंक दिया और वहाँ से चला गया। उस दिन वो घर पहुँचा और अपना सब्जी का ठेला लेके वो सब्जी बेचने निकल रहा था। उसकी बीवी ने कहा, अजी सुनते हो, आज घर जरा जल्दी आना, साफ सफाई करनी है। हाँ हाँ आ जाऊंगा जल्दी ही। फिर वो सब्जी बेचने निकल पड़ा। ए सब्जी वाला सब्जी, तुरई ले लो, भिंडी ले लो, बैगन ले लो, आलू ले लो, कैबेज ले लो, गोभी ले लो, सब्जी सब्जी वाला सब्जी। सुभाष ने फिर उसे देखा। उसने सोचा, आ रहा है मेरा बकरा। उसने चंदू को पुकारा। हाँ बाबूजी आ रहा हूँ। चंदू अपना ठेला लेके उसके पास चला गया। हाँ भाई कैसी चल रही है तुम्हारी बिक्री? अरे साहब धंधा मंदा है। क्यों नहीं होगा, सारी बासी सब्जियां जो बेच रहे हो। ये कहते हुए वो एक एक सब्जी लेके नीचे गिराता गया और हर बार वो अदृश्य भूत उसे मारती गई। अरे सब्जी वाले मार क्यों रहा है? बाबू मैंने कहा मारा, आप कहाँ खड़े और मैं कहाँ खड़ा हूँ। ओ तो तूने नहीं मारा, शायद कुछ और था। उसने सोचा और सब्जी देखने के आड़े में सब्जियां नीचे गिराता गया और वो भूत बिना रुके उसे मारे जा रही थी। इधर सुभाष, अरे अरे कौन मार रहा है? अब तक चंदू को ठक्कर जो सब्जियां लिए थे ना उसके पैसे दे दे। चौंक कर सुभाष इधर उधर देखने लगा पर उसे कोई दिखा नहीं। मैंने दूंगा। नहीं देगा। और वो मारे जा रही थी। अरे बाप रे, ओ आ, ऊ, आ, देगा, दे देता हूँ, मुझे छोड़, दे देता हूँ। अच्छा चंदू, इसके पहले कई बार मैंने अच्छी सब्जियों को बासी बताकर उन्हें नीचे गिराकर तुम्हारे जाने के बाद उन्हें समेट लेता था, मुझे माफ कर दो, ये लो तुम्हारे पैसे। ये कहकर उसने चंदू को पैसे दे दिए
पर बेचारा चंदू को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने पैसे लिए और उल्टे पांव अपने घर की तरफ निकल पड़ा। वो मन ही मन सोच रहा था, आज जल्दी जाने को कहा है, पूरा घर में साफ सफाई करना है। ये सोचते सोचते वो घर पहुंचा। घर पहुंच के देखा तो वो हक्का बक्का रह गया, पूरा घर साफ सुथरा था। उसने सोचा, अरे ये सफाई किया किसने, मेरी बीवी ने किया है क्या? ये सोचकर वो चुप रह गया। रात को खाना वाना खा के वो सो गया। उस दिन रात उसे फिर से सपना आया। मुझे उस शीशे से बाहर निकलने के लिए धन्यवाद, मैंने ही तुम्हारा घर साफ करके सुब्बैया से तुम्हारे पैसे दिलवाए। चंदू नींद से अचानक जाग गया। अरे सचमुच ये सब किसी भूत ने किया है, मेरे सारे कष्ट भी दूर कर दिए उसने। ये सोचकर बड़ा खुश होकर वो फिर से सो गया।